हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो। आज हम बात करेंगे डिजिटल फोरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड थ्रेट हंटिंग के बारे में, जिसकी जरूरत एक आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक सभी को है। इवन आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर हैं तब भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बहुत काम का ये वीडियो है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रैक्टिकल करके इसको समझाया है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब का ड्रीम सपना देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, थ्रेट हंटिंग क्या होती है, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें हैं वो क्या होती हैं, उन सभी के लिए ये टूल बहुत कामयाब है। जापान के एक व्यक्ति द्वारा इस टूल को बनाया गया है और काफी जिस हिसाब से बनाया काफी इजी टू यूज लगा, आपको भी मजा आएगा प्रैक्टिकल करने के बाद। तो सारा प्रैक्टिकल मैंने स्टेप बाय स्टेप, अगर आप नॉन आईटी फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप्स अगर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बड़ी आसानी से ये प्रैक्टिकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियोज और इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हायाबुसा। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया, जापान का ये टूल है और इस टूल की कुछ खास चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसका मेन गोल आप यहाँ पे देखेंगे, थ्रेट हंटिंग एंड इंटरप्राइज वाइड DFIR, यानी कि हायाबुसा के अंदर फिलहाल 2500 से ज्यादा सिग्मा रूल्स हैं और 150 से ज्यादा बिल्ट इन डिटेक्शन रूल्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल फोरेंसिक और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए काफी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी अटैक हुआ है या कोई वायरस या ट्रोजन एंटर कर गया है किसी भी कंप्यूटर में या नेटवर्क में, तो उस दौरान क्या रिस्पॉन्सेज रहेंगे ऑर्गेनाइज, तो वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहलाता है। डिजिटल फोरेंसिक मतलब इन्वेस्टिगेट करना किसी भी चीज को, उसके लिए भी काफी अच्छा टूल है। फास्ट फोरेंसिक टाइमलाइन जनरेशन इसके अंदर फीचर्स जो दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, DFIR टाइमलाइन क्रिएशंस का, जैसे कि आप इसमें देखेंगे HTML रिपोर्ट समरी इसमें आपको मिलेगी, 3000 प्लस सिग्मा अलर्ट्स हैं, डेली अपडेट्स जो आपको देंगे, और इसमें देखिए लगभग हंड्रेड्स और EVTX फाइल्स हैं एनालाइज करने के लिए। EVTS का मतलब होता है इवेंट एंड लॉग्स। जब भी आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करते हो तो कंप्यूटर के अंदर किसने कब उसे ऑन किया है, कब बंद किया है, कभी कोई वायरस तो एंटर नहीं किया, कभी कोई मैलिशियस फाइल तो नहीं आई, सिक्योरिटी अलर्ट तो जनरेट नहीं हुए, इस तरह की जो जानकारी है वो इवेंट्स के अंदर स्टोर रहती है। इवन जब भी कोई बड़ा क्राइम हो जाता है तो और कंप्यूटर की फोरेंसिक एनालिसिस होती है तो इवेंट लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवेंट लॉग फाइल्स को भी एनालाइज इसकी मदद से आप कर सकते हो, यानी इस टूल की मदद से आप कर सकते हो। थ्रेट हंटिंग के लिए भी आप कह सकते हैं बहुत अच्छा टूल मुझे ये लगा। आप देखेंगे इसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। दूसरा, इसका पूरा जो यूज है इस टूल के अंदर पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि आप इसका यूज कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बाकी आप इसमें देखेंगे एनालिसिस विद द इलास्टिक स्टैक डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड भी इसमें काफी अच्छा जनरेट किया गया है जिसकी मदद से आपको रिजल्ट्स को एनालाइज करने में, देखने में और समझने में आसानी होगी। तो फिलहाल ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम करते हैं शुरू इस चीज को, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे विंडोज पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज के साथ साथ आप इसे लिनक्स पे, मैक पे, सभी पे आप इसे डाउनलोड करके चला सकते हैं। तो गाइज आप यहां पे देख सकते हैं सारी चीजें यहां पे टूल के बारे में। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहां पे देखेंगे गिट क्लोन रिपोजिटरीज यहाँ पे दी गई हैं, डाउनलोड है, जिप भी आप कर सकते हो क्योंकि इसकी exe फाइल भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसका यूज अलग अलग जगह पे आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सारा कुछ रूल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। मैक पे आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे कैसे कर सकते हैं, विंडोज पे कैसे कर सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है और विंडोज की मदद से मैं इसे यूज करूंगा। .exe फाइल इसकी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमें स्टार्ट करना है CMD। इन सब के अलावा आप इसे पावर सेल की मदद से भी चला सकते हैं। ध्यान रहे कि CMD और पावर सेल चलाते टाइम आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है गाइस, क्योंकि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तभी इसका जो प्रॉपर यूज है वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इसकी जो लोकेशन है, यानी जहां पर ये सेव है वो आपको इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लोकेशन से मेरा मतलब है जहाँ पे फाइल डाउनलोड है, ठीक है। तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसे डाउनलोड करने के बाद। तो गाइज मेरी जो फाइल है आप देखेंगे यहाँ पर है, सॉरी ls कमांड याद आ गई, लिनक्स के अंदर यूज होती है, तो यहाँ पे dir कमांड देंगे। तो ये देखिए जो मेरी फाइल है ये वाली फाइल है जिसपे हम काम करने वाले हैं, ठीक है गाइज। सो गिव मी अ मिनट, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ इन चीजों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे, ओके दिस इज द टूल।
तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसे डॉट स्लैश टूल का जो नाम है वो आपको लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे टूल का जो नाम है पूरा नाम आपको लिखना है और एंटर कर देना है। कई बार छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से भी ये काम नहीं करता है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे ये रन हो चुका है। रन होने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप इसकी ये कमांड्स हैं, कंप्यूटर मैट्रिक्स, प्रिंट कंप्यूटर नेम मैट्रिक्स, सेव द टाइमलाइन इन CSV फॉर्मेट, प्रिंट इवेंट ID, सेव द टाइमलाइन इन JSON फॉर्मेट, यानी अलग अलग फॉर्मेट्स में उन्हें ये सेव भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर को ही चेक करना है। हालांकि EventX फाइल जो है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड उन्हें कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल हर किसी के कंप्यूटर में जो लॉग फाइल स्टोर होती हैं वो सी विंडोज सिस्टम 32 WinEVT लॉग्स के अंदर सेव होती हैं। तो आपको ये लोकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। सो गाइज आफ्टर देन क्लियर आपको पता चल गया होगा इस टूल का क्या और कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस टूल के बाद आता है कि जैसे ही आपने इसे यूज़ किया है उसके बाद इसमें जैसे अभी कमांड आई थी CSV टाइमलाइन, तो CSV टाइमलाइन मैंने लिखा और उसके बाद आपको देना है D। अच्छा मान लीजिए ये अगर आप CSV टाइमलाइन के बारे में नहीं जानते इसका क्या और कैसे यूज हो सकता है, तो इससे पहले आपको जस्ट हेल्प लिखना है और एंटर कर देना है। अगर आप हेल्प लिख के एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो सपोर्टिंग कमांड्स हैं वो कौन कौन सी है। मैं ये थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ जैसे कि आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप ये टूल चलाएंगे तो कोई दिक्कत ना आए उसके लिए बेटर है कि आपको ये पता हो। सो गाइज आप यहां पे देख सकते हैं यूजेस इसमें बता रखे हैं। CSV टाइमलाइन के बाद इनपुट आपको देना है और ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, तो इनपुट के तौर पे आप देखेंगे D यानी डायरेक्टरी जहां पे आपकी EVTX फाइल स्टोर है, जो लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाई, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सी विंडोज सिस्टम 32 WinEVT लॉक्स के अंदर। तो इसमें आप लाइव एनालिसिस भी कर सकते हैं, JSON आउटपुट फॉर्मेट में भी आप जो भी आउटपुट आएगा उसे स्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। इन सब के अलावा फिल्टरिंग रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये इसकी सपोर्टिंग कमांड्स हैं। ठीक है, आप इन्हें पढ़ के थोड़ा समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो अभी हमने CSV टाइमलाइन लिखा, उसके बाद D फॉर डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी को आप जिसकी टाइमलाइन आप देखना चाहते हैं। ठीक है, CSV फॉर्मेट्स में आप देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको देना है O फॉर आउटपुट के लिए हो गया, और किस नाम से आपको इसका जो आउटपुट है वो चाहिए। तो गाइज ये जो लोकेशन है आप देखो INETPUB MEH के अंदर ही ये जो फाइल है MEH.CSV वाली वो स्टोर होगी जिसमें रिजल्ट आएंगे। तो फिलहाल एंटर करके देख लेते हैं हम क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक छोटी सी एरर दिखा रहा है, वी नीड टू वेरीफाई दैट। एरर जो है वो इस वजह से है क्योंकि हमने हेल्प कमांड को रिमूव नहीं किया यहाँ से, तो हमें इसमें हेल्प नहीं चाहिए थी। देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टोटल फाइल साइज है वो 335.9 MB का है, और इवेंट लॉग जो फाइल है इसके अंदर 381 है। इन सब के अलावा अब ये कह रहा है कि डिटेक्शन रूल कौन सा आप देखना चाहते हैं। गाइस डिटेक्शन रूल इसमें देखिए चार हैं, कोर, कोर प्लस, कोर डबल प्लस, ऑल अलर्ट, ऑल इवेंट एंड अलर्ट रूल्स। ठीक है, जिसमें 4,270 रूल्स हैं जो आपको बताएगा कि इसके अंदर की कमियां किस किस तरह की हैं, टेस्ट उन्हें करेगा। देन उसके बाद आप यहां पे देखेंगे मीडियम हाई क्रिटिकल लेवल की जो बग्स हैं या इसके अंदर इसके हिसाब से जो कमियां हैं, कोई मेलिशियस वायरस ट्रोजन कोई भी चीज़ है उन सबको ये दिखाएगा। तो जो भी रूल आपको सुटेबल रख रहा है एरो की से डाउन कर लीजिए, एंड मैंने कर दिया ऑल इवेंट एंड अलर्ट रूल्स, एंटर कर दिया है। उसके बाद कह रहा है इंक्लूड डुप्लीकेटेड रूल्स अगर आप करना चाहते हैं तो वाई कर दीजिए। ऐसे ही ये कह रहा है अनसपोर्टेड रूल्स 45, ये आपको दिखा रहा है कि कितने इसमें रूल्स हैं और वो आपको यस करने हैं या नो करने हैं, तो आप अपनी मर्जी से उन्हें यस और नो कर सकते हैं। अब ये रूल्स को लोड करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उन्हें आपको दिखाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइव बिल्कुल एनालाइज कर रहा है एक एक करके, और 4,270 रूल्स उसने दिखाए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट फाइल जो है वो किस तरह से आती है। तो फिलहाल हम इसे चलने देते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने लगभग 99% जो है वो कंप्लीट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ टाइम लगता है, बाकी बड़ी आसानी से ये रिजल्ट्स आपको शो करेगा कि कितनी इसे जो कमियाँ मिली हैं जो हाई लेवल की हैं
मीडियम लेवल की हैं, लो लेवल की हैं, अलग अलग तरह से रिजल्ट से आपको शो करेगा। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप मीडियम अलर्ट्स, पोटेंशियल मैलिशियस पॉज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जो भी इसने रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं ये देखिए, ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेक्शन इसे कहाँ मिला, यूनिक डिटेक्शन कहाँ मिला है, ये सारे रिजल्ट्स इसमें आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपकी जो मेन लोकेशन है वहीं पे जाके सेव हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। MEH में एक फाइल बनी होगी MEH जो कि एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो एक्सेल MS एक्सेल होगा तो उसमें CSV फाइल जो है वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे MS एक्सेल के अंदर जो इसका आउटपुट आया है जिसे आप बड़ी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते थे वो काम बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर है तो आपके बहुत काम ये आने वाला है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे रिकॉर्ड आईडी दिखा रहा है, ये टाइमिंग भी दिखा रहा है किस टाइम पे, 2022 का भी इसमें रिकॉर्ड है, 2022 और आप यहाँ पे देखेंगे 23, एक एक महीने का इसमें जो भी कोई चीज़ मिली है, क्रेडेंशियल्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, हाई लेवल का है, लो का है, मीडियम का है, यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं। ये तो है इन्फॉर्मेशन, ये लो लेवल का है, ये मीडियम लेवल का है, आप उसे पढ़ना चाहते कि भाई क्या चीज़ थी, क्या कमी थी मीडियम लेवल की, तो आप इसे देखो स्ट्रेच करिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई हैं, रिकॉर्ड रूल्स कौन सा उसने लगाया ये आप देख सकते हैं, रूल्स यहाँ पे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको शो कर रहा है, मैन्युफैक्चर सीरियल मॉडल नंबर एवरीथिंग इज इट शोइंग्स। तो ये देखिएगा इस, मतलब बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि इसके रूल्स शो करने का जो तरीका है, ग्राफ शो करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको दिखाता है। तो आप अपना जो है लॉग्स वगैरह उन्हें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इन सब के अलावा मतलब बहुत बेहतर ये मुझे लगा। तो सारे रूल्स इसी टूल के लिंक में आपको मैं दे दूंगा, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।